Assalamu alaikum, welcome you another class, and today's lesson is very important lesson. We have completed noun, pronoun and adjective with all kinds, and now this today's lesson is very important lesson because in our life we are doing something in every time. Hum zindagi mein har time pe kuch na kuch kar rahe hote hain, aur this lesson is our mirror, is like our mirror in our infect. Okay, hum jo kar rahe hote hain पूरी दुनिया पे उस माहौल का असर होता रहता है. हम फ्री टाइम में भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? हम थिंकिंग कर रहे होते हैं, और हम जाग रहे होते हैं या हम सो रहे होते हैं, उन सोने का हम जो करें वो ये अमल कर रहे होते हैं. वर्ब, दीज आर टुडेज लेसन इज वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ओके, हमारी पहचान जो होती है वो सारे इन हमारे अमल से होती है, हमारे एक्शन से होती है, हमारे बिहेव से होती है. हम जो कुछ कर रहे होते हैं ये हमारी पहचान है. Okay, so a verb is a word or groups of letters that express an action or state. Okay, ye action ko batayega ki hum aaj kar kya rahe. Now you like what I am doing, I am teaching, and you are watching my video and you are listening my voice. Okay, these are what we are doing. We are acting something, we are doing an action. These are all verbs. So in every language consisting on verbs. ओके, हमारी जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है अल्फाजों पे, और अल्फाजों में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन हिस्से ऐसे हैं जिनकी आपको वोकेबलरी जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी लैंग्वेज में उतने आप इसका स्किल जो होगा उनका होगा वो आपका अच्छा होगा, आपकी उन पे ग्रिप जो होगी वो अच्छी होगी. वो कौन से हैं? नाउन है एक, तो नाउन की जो आपके पास वोकेबलरी होगी वो आपकी लैंग्वेज को अच्छा बनाएगी. दूसरा जो है वो है वर्ब. थर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव, जो कि हमने तीनों क्लास कंप्लीट कर दिए. क्यों? द वर्ड ऑफ एवरी थिंग इज़ नाउन. ओके, एक तो दुनिया की हर चीज़ जो है, जो नाम है उसकी पहचान है तो वो नाउन है. तो हमें पहले तो उसका नाम जो है उसकी वोकेबलरी आनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी इंटर इन किचन, वी हैव टू नॉलेज अबाउट वोकेबलरी ऑफ द वर्ड्स, व्हाट इज आर थिंग्स आर अवेलेबल इन द किचन. तो हमें वोकेबलरी नहीं होगी तो वी के नॉट कन्वे अवर मैसेज, वी के नॉट इवन इंट्रोड्यूस अवर किचन, इवन एवरी थिंग. जहाँ भी आप लाइफ में जाएंगे वहाँ पे हम उनका इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, बिकॉज वी डजेंट हैव वोकेबलरी. सो वोकेबलरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज. लैंग्वेज के लिए हमें अल्फाज आते ही नहीं, हम क्या कन्वे करेंगे हमारा मैसेज? सो लैंग्वेज इज़ डिपेंड ऑन वर्ड्स. वोकेबलरी नहीं होगी तो हम कोई भी मैसेज, कोई भी वहाँ पे टॉकिंग नहीं कर सकेंगे. लोग समझते हैं कि ग्रामर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एक्चुअली स्पीकिंग में ग्रामर इतना डिपेंड नहीं करता. इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पे अल्फाजों का होना, उनकी वोकेबलरी होना कम डिपेंड ज़्यादा करता है. कोई भी लैंग्वेज आप उठा लें, ग्रामर एक फर्द फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामर में मास्टर है, पर उनको एक सामने के सा मोड़ा गया कि उसके पास उसकी जो टर्मिनोलॉजी थी, उसकी जो वर्ड्स थे उसके पास ये वो नहीं थे. वो क्या करेगा? वहाँ पे खामोश हो जाएगा, वहाँ पे वो ये एक्टिंग नहीं कर पाएगा. ही डजेंट कम्युनिकेट, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा. सो वहाँ पे क्या होगा, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं इतना ग्रामर पे टाइम दिया, मैंने इतनी पढ़ाई की, पर उसको वर्ड्स ही नहीं आए थे. सो ये अपना कन्फ्यूजन कंप्लीट कर दें, ये अपना कन्फ्यूज दूर कर दें कि ग्रामर सब कुछ है. नो, ग्रामर ओनली 20% डिपेंड करता है लैंग्वेज पे. 80% जो करता है वो वर्ड्स करते हैं, वोकेबलरी करती है. वोकेबलरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड कौन सी वोकेबलरी? नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव. ये तीनों काम देखें, एक तो चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक पर्सन का. ओके, एक पर्सन जो है वो क्या है? नाउन है. अब वो जो कर रहा है वो उसके वर्ब्स हैं. अब उस बंदे में जो क्वालिटीज़ हैं या वो जो काम कर रहा है, वो एक्शंस कर रहा है, उसके एक्शंस की भी क्वालिटीज़ होती हैं. तो ये तीनों क्या होगी? नाउन हो गया, वर्ब हो गया, और उनके बदले जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज एडजेक्टिव मॉडिफाई द नाउन. और प्रोनाउन तो उस नाउन के बदले में काम आते हैं, इज ओनली पार्ट ऑफ अ स्पीच. मेन पार्ट्स आर थ्री. ओके, जो लैंग्वेज के डिपेंड करते हैं. ओके, सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. वी हैव कंप्लीटेड नाउ द वर्ब is the main important of our life and also in language. Okay, verb is an action word. A verb is an action word and verb is doing word. Okay, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, यही हमारा verb है, और उनकी vocabulary is आनी चाहिए. और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दो हफ्ते में एक सी वीडियो देता रहूँगा जिसमें मैं भी 20 आई विल गिव यू 20 एक्शन वर्ब्स. ओके, विथ मीनिंग एंड आल्सो यूजेज ऑफ देम. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, स्लीप, गो, वॉच, रिसाइट,
talk, bake, bind, kill, etc. Okay, so next move the topic. Today I will give you 10 words of action words. Number first word is appoint. Today's lesson is first word verb I will give you appoint. Appoint means mukarrar karna. For example, hum kahenge ke bank mein aapko as a manager appoint kar diya gaya. You are appointed for as a manager in National Bank. Next move word is approve. Approve means manzoor karna. For example, you have requested any field. Okay, ab wo manzoor karenge ya nahi karenge, wo is pe hum word use karenge. They have approved your request. Okay, third word is add. Add means milana. For example, 2 and 2 we have added. Example, answer is 4. Okay, 2 and 2 makes 4. Okay, fourth word is allow. For example, I allow you. You can speak English. Main ijazat deta hu ki aap English talking kar sakte hain. I allow you. You can leave from this. You can leave this group. Okay, number 5 word is appreciate. Today's 5 word is verb also is appreciate. For example, I am doing a lecture. I am giving a lecture for free as a cost, without cost, and giving through WhatsApp. And you appreciate my work. How can you say? You can say, sir, your work is appreciated. मतलब आपका काम जो है तारीफ करने के लायक है. Okay, we appreciate you. Okay. So next word is ask. Asking means पूछना. For example, you can ask anything in English about grammar or speaking skills or any other kinds. Even we go any place, we have to ask something. Asking is a tool which we can get new knowledge. सवाल करना ऐसा होता है कि आप उस सवाल के बदले कहते हैं ना, एक सवाल किसी बंदे की लाइफ चेंज कर सकता है. ओके, आस्किंग मीन्स आस्किंग क्वेश्चन. ओके, नंबर लास्ट वर्ड इज़ अवार्ड. अवार्ड मीन्स इनाम देना, उसकी कुछ चीज़ देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑस्कर अवार्ड होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिलते हैं. नोबेल प्राइज़ है, जैसे बहुत ही जगह हमारे जो थे उसको नोबेल प्राइज़ दे के दे अवार्डेड टू नोबेल प्राइज़. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ अनाउंस. अनाउंस मीन्स ऐलान करना. किसी कोई भी हम काम करें उनका ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अनाउंस यू दैट फ्रॉम फलां डेट वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस. आई अनाउंस. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ अब्यूज़. गंदे अल्फाज बोलना, किसी को गालियाँ देना. ओके, जो हम माशरे से कॉमन सीखते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डोंट अब्यूज़ एनी पर्सन. ओके, किसी भी शख्स को गंदा ना बोलें. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ अरेंज. किसी ना किसी चीज़ों का हम अरेंज कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ हम कोई ना काम कर रहे होते हैं तो उसका अरेंजमेंट हम पहले करते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई हैव सेड यू दैट एक्शन verb are most important in vocabulary and every language is depend on vocabulary. So kindly, if you have any question, ask in inbox. Thank you.